हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं। तो चलो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक कंटेनर ले लिया है जिसको कि हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन से दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक्चुअली ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हम लोग SPM बोलते हैं। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या खासियत है देख लो। एक्चुअली ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, या तो ये बायोलॉजिकल चीज़ों से बना होता है या कई बार ये सिंथेटिक भी होता है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू क्रॉस होने देते हैं, बट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसे क्रॉस नहीं हो पाते क्योंकि इनके पोर्स या होल्स जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। और अगर मॉलिक्यूल का साइज इसके रेस्पेक्ट में बड़ा हो जाएगा तो वो तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, H2O की बात करें, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। जबकि अगर यूरिया इस तरह के अगर बड़े सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे या सुक्रोज वगैरह की बात करें तो वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस एनिमेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो पर्पल कलर पर के मॉलिक्यूल्स थे ये छोटे साइज पर के थे जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर इन गोल्डन कलर के मॉलिक्यूल्स की बात करो तो देखो इनका साइज जो है वो बड़ा है, ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल तो सॉल्वेंट का पार्ट है, आपको पता है इसका साइज छोटा है। तो अगर इसका साइज छोटा है तो इस केस में भी क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनको अपने थ्रू क्रॉस होने देगा। आप देखो ये भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स ले लिए, जैसे मान लो हमने यूरिया ले लिया, तो इस केस में क्या होगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रहा, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब ए से बी में जा सकते हैं, उसी तरह बी से ए में जा सकते हैं। बट ये जो यूरिया वाले मॉलिक्यूल्स है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, तो उनका रिजल्ट क्या सामने आएगा। तो यहाँ पर हमें नेट रिजल्ट क्या मिलेगा। चलो वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो मान लो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड में, बट ये जो यूरिया वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा आ गए। तो आप देखो यहाँ पर यूरिया मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू पार्ट ए। ठीक है, और ये यूरिया वाले मॉलिक्यूल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने से क्रॉस होने नहीं देगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो वाटर मॉलिक्यूल्स का है वो ए से बी की ओर ज़्यादा होगा, मतलब नेट वेलोसिटी या नेट मूवमेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा वो ए से बी की ओर ज़्यादा होगा। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो केवल ए से बी की ओर होगा, केवल मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का ए से बी की ओर होगा ऐसा नहीं बोल सकते। मैं यहाँ पर एक वर्ड लगाता हूँ, नेट मूवमेंट। ठीक है, मतलब ए से बी की तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं और बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं, बट जा सकते हैं तो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ना, ये यूरिया तो नहीं जा पाएंगे। और क्योंकि बी के साइड में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे, उसके रेस्पेक्ट में ए के साइड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, तो यहाँ पर से नेट मूवमेंट आपको ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, और वहीं मान लो बी से ए की ओर जाने का मूवमेंट कम नज़र आएगा, तो आप देखो यहाँ पर मैंने दो एरो बनाया है, यहाँ पर मैंने तीन एरो बना दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग नेट मूवमेंट का बात करें तो नेट मूवमेंट में आपको क्या नज़र आएगा कि जिस साइड वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे वहाँ से फ्लो उस साइड होगा जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे। ठीक है, इसको एक दूसरे सेंस में भी हम लोग देखते हैं। बोला यह जाता है कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो लेस कंसेंट्रेशन से मोर कंसेंट्रेशन की ओर हो रहा है। ठीक है, अब याद रखना है डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड की ओर। एक्चुअली ये कंसेंट्रेशन, ये जो डाइल्यूट वाला टर्म है, ये अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड पर के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट कई बार कहा जाता है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये सॉल्यूट पार्टिकल्स पर के लिए ज़्यादा डिफाइन है। तो देखो आपको इस एनिमेशन में क्या दिख रहा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस तो हो जा रहे हैं, बट ये जो ग्रीन बॉल्स हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, आप देखो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो एक साइड से उनका रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था, तो उसको उसका रिजल्ट क्या दिखेगा, देखो ये पार्ट बी का हाइट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था जबकि एक जो है उसका हाइट कम होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि नेट फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पार्ट बी का हाइट ज़्यादा हो गया, तो ये हाइट ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू अगर पार्ट ए की बात करें, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट होगा वो क्या करेगा, इस ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को रोक देगा। ठीक है, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलेंगे, द प्रेशर विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर से और ऑस्मोसिस नहीं हो पाया, अब मान लो हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर और अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा ये इस साइड से इस साइड में हो जाएगा, मतलब पार्ट बी से पार्ट ए की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं बच्चे, आरओ। तो इसका एग्जाम्पल आप अपने रियल लाइफ में अपने किचन में देख सकते हो, वहां पर जो आरओ लगा हुआ होता है उसमें यही प्रोसेस यूज होता है, तो वहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जिसमें कि सॉल्ट गुले हुए होते हैं उसको ये प्योर करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप ये वाला केस देखो, तो इस केस में आपको नजर आ रहा है कि दोनों का ही लेवल सेम है। ठीक है, और सिमिलर टाइप पर का कंसेंट्रेशन दोनों ही साइड आ गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो ऐसा केस होगा जब जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही साइड सेम हो जाएगा, तो हम लोग इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। याद रखना है, इस केस में दोनों साइड कंसेंट्रेशन भी सेम हो जाता है और दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, मान लो कोई एक पर्टिकुलर साइड, ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे साइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको आप कंसंट्रेशन से भी रिलेट कर सकते हो, जहाँ पर कि कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा नजर आ जाएगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और जहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग थ्योरेटिकल वे में एनसीईआरटी में देखते हैं। तो देखो, इसको समझाने एक बार के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, रो मैंगोज श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन। ठीक है, ब्राइन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर। अब सोचो, आपको याद होगा जब पिकल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो मैंगो होता है, तो मैंगो का ये जो बाहर वाला कवर होता है, इसको आप सोच सकते हो ये एक तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जब उसको आप बाहर सॉल्ट से कवर कर दोगे, उस केस में क्या होगा कि मैंगो के अंदर पर का जो वाटर है, ठीक है, वो बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है, जो अंदर वाटर है तो वो तो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट है और बाहर क्या है, कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, उस केस में डाइल्यूशन से टुवार्ड्स मोर कंसेंट्रेशन जो फ्लो होगा, इसी चीज़ को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। हमारे रियल लाइफ में इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो देखो, इस बात को इसने लिखा है, मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स बट द पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड, उनको हिंडर्ड कर देता है। मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उनको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोले। एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये बात मैंने बता दिया था कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास हो पाएंगे, एंड दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और यही जो सॉल्वेंट पर का फ्लो होगा कोई एक पर्टिकुलर साइड से नेट फ्लो होगा, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। वैसे अगर बात करें फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का दोनों साइड से होगा, बट नेट फ्लो की अगर बात करें तो वो एक ही साइड से होगा, क्योंकि एक साइड से फ्लो ज़्यादा होगा और एक साइड से फ्लो कम होगा। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, दिस प्रेशर जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर नेट फ्लो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, तो कुछ देर के बाद क्योंकि लेवल अप हो गया था, तो लेवल अप हो जाने की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर नजर आ रहा था एक पर्टिकुलर साइड में, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था ये ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को रोक दे रहा था, तो वो पर्टिकुलर जो प्रेशर होगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही क्रॉस कर पा रहे हैं, तो एक साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे और एक साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम थे, तो
जहां पर लोअर कंसेंट्रेशन था उस साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, और जहां पर हायर कंसेंट्रेशन था वहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम थे। तो नेट फ्लो जो हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर का लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर होता है। तो कई बार इसको अपोजिट सेंस भी बोल सकते हैं कि यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो होता है वो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की ओर होता है। अब आप यहां पर एक चीज गौर करना, मैंने सॉल्वेंट यूज किया, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मोस्टली कंसेंट्रेशन टर्म्स जो है वो सॉल्यूट के टर्म पे डिफाइन होता है, बट कई बार हम लोग सॉल्वेंट के टर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको जस्ट अपोजिट बोल देंगे। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड डू नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। आपने देखा था यहाँ पर ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थे इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने रोक रखा था, इनको क्रॉस होने नहीं दे रहा था। तो ये केवल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के अमाउंट पे डिपेंड करता था, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था ये केवल और केवल उनके अमाउंट पे डिपेंड करता था, बल्कि इस पर डिपेंड नहीं करता था कि उनका खुद का नेचर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, यहाँ पर हम लोग मोलारिटी यूज कर रहे हैं, इससे पहले के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे उसमें हमने मोलारिटी यूज किया था। देखो सी को हम लोग कंसेंट्रेशन ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद करो, आप लोगों ने क्लास 11 में आइडियल गैस पर का एक इक्वेशन पढ़ा था, वो क्या था, पी वी इक्वल टू बच्चे, हाँ सही बोल रहे हो, एनआरटी, ठीक है। तो सोचो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर को वहीं रहने दिया और V को अगर हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये N बाई वी हो जाएगा, ठीक है। तो N बाई वी हो जाएगा, तो बच्चे N बाई वी होता क्या है, यही तो कंसेंट्रेशन होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो P है उसको पाई से रिप्रेजेंट किया गया है, सॉल्यूशन पर का जब प्रेशर होगा ना तो उसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैस पर का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पाई इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर कंसेंट्रेशन R इंटू टी, ठीक है, वही बोल रहा है। हियर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आर इज द गैस कांस्टेंट, तो वहां पर भी तो आर को गैसेस कांस्टेंट के रूप में यूज होता था ना, और टी यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, बखूबी हम लोग इस एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेजरमेंट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। इससे पहले कि हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें भी हम लोग यही काम कर रहे थे, बट ये वाला और ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, और इसका वाइडली यूज किया जाता है। दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स पॉलीमर्स एंड अदर्स, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये इन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेस्ट मेथड है। अब ये बेस्ट क्यों है इस बात को देखो, तो ये बेस्ट क्यों है इस बात को देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर के अराउंड ही होता है, जहाँ पर मेजर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। एंड द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज इंस्टीड ऑफ मोलारिटी, और यहाँ पर मोलारिटी हम लोग यूज कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, मोलारिटी। देखो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, तो कंसेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मोलारिटी यूज कर लिया बच्चे, ठीक है, और मोलारिटी विथ रेस्पेक्ट टू मोलारिटी काफ़ी आसान होता है। एज कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये एक और हमारा इसका एडवांटेज है कि दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो पाई का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, ये डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा, तो हम लोग आसानी से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। जो अब इससे पहले के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहो या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर ये जो डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ होता था ये काफ़ी कम होता था। तो अगर मान लो ये डेल्टा टी वी या डेल्टा के एफ का वैल्यू छोटा आएगा, इस केस में जब मोलर मास हम लोग फाइंड कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। बट यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नज़र आएगा हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात ये भी देख लो, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। वैसे सॉल्यूशंस जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था उसको हम लोगों ने देख लिया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो सोचो वो एक्सप्रेशन पर लगा के, अब इसको इस एक्सप्रेशन के थ्रू सोचो, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, मान लो दो सॉल्यूशंस हैं
तो पहला सॉल्यूशन को अगर मान लो पाई वन मान लिया तो पाई वन इक्वल टू सी वन आर टी हो जाएगा, उसी तरह पाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टू आर टी। अगर मान लो पाई वन और पाई टू दोनों बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं सी वन इक्वल टू सी टू, मतलब ये दोनों कंसेंट्रेशन भी बराबर होंगे, ठीक है। तो वैसे सॉल्यूशंस जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते थे उनका सी वन और सी टू भी बराबर होगा, बशर्ते हम लोगों ने दोनों को टेम्परेचर फिक्स कर रखा है और आर जो है वो तो कॉन्स्टेंट है ही। हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस भी देख लिया था, वैसे सॉल्यूशंस जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी देख लिया था, वैसे सॉल्यूशंस जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, और इनका इसी तरह से कंसेंट्रेशन इनका ज़्यादा हो जाएगा और इनका कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। चलो एनसीईआरटी ने एक प्रॉब्लम दिया है, इस प्रॉब्लम को करते हैं। देखो 200 सेंटीमीटर क्यू ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है और उसका मास भी दे रखा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 के इज फाउंड, देखो टेम्परेचर इसमें फिक्स कर रखा है, 300 के इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10^-3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, तो ठीक है पाई इक्वल टू सी आर टी हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे तो आ जाएगा। देखो पाई पर का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, पाई पर का वैल्यू दे रखा है, पाई इक्वल टू सी आर टी, देखो यहाँ पर से सी आ जाएगा, ठीक है। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ही अननोन है हमारे पास, और ये उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पर से हमारा सी भी आ जाएगा, और आर पर का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी ऑलरेडी दे रखा है। तो जब हम लोग इसको एक्सप्रेशन में डालेंगे तो एम टू यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था वो क्या आ जाएगा, 61,022 ग्राम पर मोल, ठीक है, उसका मोलर मास आ गया। देखो तो हम लोगों ने यहाँ फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म कर दिया है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वो एक्चुअली सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज में आता है।